प्रधानमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, हमारे साथी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी, और यहाँ पर उपस्थित जनता दल यू के हमारे भी सम्मानित नेतागण, अध्यक्ष वशिष्ठ भाई, कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी, विजेंदर यादव जी, आरसीपी सिंह जी, ललन जी, सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो बुनियादी बातें हैं उसकी जानकारी संजय जायसवाल ने दी है। जो हम लोगों का गठबंधन है NDA, इसमें बातचीत हो चुकी है। हम लोगों की बातचीत पहले ही हो चुकी थी लेकिन उसका कोई ऐलान नहीं किया गया था, और अब उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दी जाएगी। जिन्होंने बताया, जो जनता दल यू है उसके सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जितना मांझी जी की पार्टी को, उसके अंतर्गत हम लोग ने 7 सीटें दी है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत, जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसके अंतर्गत उनको सीटें देंगे। और जहां तक दोनों के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल है, कौन उसका भी निर्णय हो चुका है, और मैं समझता हूं कि आज 22 और 21 तो है, तो बता दें लोगों को, आप रिलीज कर दिया जाएगा ये पूरे तौर पर कि इनके जिम्मे कौन सी सीट। हम मिलकर काम कर रहे हैं बिहार के विकास के लिए, जो भी काम है वो किया गया है, इसके बाद भी आगे मिलजुल कर लोग काम करेंगे। एक साथ लोगों का एक लंबा है, और जो कुछ भी बिहार के बारे में जानकारी है, कुछ लोगों के द्वारा बिला वजह बहुत सारी बातें की जाती है, मैं सब चीजों का कोई महत्व तो नहीं देता हूँ। सबको मालूम है कि हम लोगों का अगर पिछले 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, 15वां साल है, और उसके पहले 15 साल तक लोगों को काम करने का मौका मिला किया गया, क्या रोजगार था, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति थी, कितने बड़े जो हत्याएं सामूहिक नरसंहार घटनाएं क्या नहीं होता था उस समय, कितने दंगे होते थे, सारी बातों से लोगों को मालूम और वहां कौन सा काम था, कोई सड़क था, कोई सड़क भी ठीक था, कहां किस तरह से क्या हाल यूनिवर्सिटी तक के जो शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, कितने दिन पर तनख्वाह मिलता था। हम लोग जब आए 2005 में और 2006 से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, सब समय पर शुरू किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, और हम लोग परम कहते हैं न्याय के साथ, यानी समाज हर तबके का उत्थान और हर इलाके का काम हम लोग करते चले आ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, और इसके बारे में पता है और किस तरह से हम लोगों ने काम किया। आज ये बता रहे थे संजय जायसवाल जी, इधर की घटना के बारे में जानकारी, और कितना ज्यादा
कोरोना का प्रकोप हुआ है दुनिया भर में, कोविड नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, ये स्थिति एक दूसरे तरफ की है, लेकिन हम लोगों ने बिहार में कितना किया और सवाल है। तो 10 लाख की आबादी पर जितनी जांच है बिहार में, इसका जो एवरेज है उससे भी 3000 ज्यादा है। देश के 10 लाख की जनसंख्या पर जितनी जांच हुई उसमें भी हम, और जहां तक सवाल की मृत्यु होती है उसकी, और जो लोग ठीक होते जा रहे हैं उसकी भी संख्या हमारा 93% से ज्यादा है। हर प्रकार से काम हो रहा है। जब ये हुआ और बाहर में जो लोग कहा जाता, मैं तो प्रवासी शब्द का पक्षधर नहीं, मैं शुरू से बोलता हूं, देश के अंदर कोई एक प्रांत का दूसरे प्रांत में जाता है तो प्रवासी लोग जाते हैं। बिहार में क्या दूसरे राज्य के लोग नहीं है, लोगों को ठीक से मालूम नहीं है, यहां पता नहीं है कि केरला के लोग बिहार में हैं कि नहीं है, ठीक से तो मालूम नहीं है। लोग भी सब जगह जाते हैं, थे परेशानी में थे, तो हम लोग एक एक लोगों से संपर्क किया गया और सब लोगों को जो भी है 21 लाख लोगों को 1,000 रुपये की सहायता राज्य सरकार की तरफ से किया गया। और जो गाइडलाइन था जारी उसमें एक जगह से दूसरे जगह जाने का नहीं था, फिर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया महीने में, और जो रेलगाड़ी से आने की सुविधा कितनी और लोगों के साथ कितना यहां किया गया, अलग अलग लोगों इसमें था, 8 जगह से आए जिनकी स्थिति वहां ज्यादा ठीक नहीं थी, उनको अलग हम 14 दिन तक रख के क्वारंटाइन, लोगों पर 5,300 रुपया 14 दिन के अंदर खर्च किया। लोगों को मालूम कुछ रहता नहीं है, केंद्र ने मदद जिसकी चर्चा इन्होंने कर दी, किस तरह से लोग जो लोगों को सुविधा चारों तरफ राज्य सरकार, लेकिन कुछ बातें तो यूं तो एक बात है, हर प्रकार से हम लोग एक एक तरह का इंतजाम करके अभी तो चुनाव आ गया, अब चुनाव आ गया तो डिपार्टमेंट के लोग हैं अधिकारी हैं ये उनका देखना काम है। और आपको मैं बता देता हूं, जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा की जाती है डेट, हमको जब से मौका मिला है तब से जिस दिन अनाउंस हो जाता है चुनाव कमीशन के द्वारा के अगले दिन या उसी ऑथराइज कर देते के लिए चीफ सेक्रेटरी को, इसको जान लीजिए हम लोगों को तो कम पता है, और ऐसी परिस्थिति में चुनाव हो रहा है सब को पूरी तैयारी, और हम लोग तो अपने ढंग से जो काम है, और बता देना चाहता हूं कि हम जो हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना, तो हम लोग पॉजिटिव आधार पर जो काम किया है और जो काम उसके आधार पर लोगों के फिर हम लोग जाकर के सेवा का अवसर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जनता को तय करना है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा किस किस तरह का बयान दिया जाता है मुझे तो आश्चर्य होता है, और आप तो देखिए कि जिसका जेडीयू से कोई आरजेडी ज्वाइन किया है, जेडीयू में है परिस्थिति 2-3 अखबार में हमने देखा, इसलिए हम तो आग्रह चीजों की जांच करके, अब फोटो छपा है 1-2 अखबार में, तो वो कब हम लोग बनाए 14 से ही अलग है, अब बताइए कोई कहीं जाता है तो जो तो देख करके मैं इतना ही कहूंगा मुझको दुख नहीं होता है। सवेरे मेरी अखबार पढ़ने की, तो जब सवेरे अखबार पढ़ते हैं टेलीविजन तो उस तरह से हम देख नहीं पाते हैं काम के चलते, दिल्ली में जब तक थे तब तक 1-2 घंटा टेलीविजन देखते थे, हम नहीं देख पाते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो देख करके हंसी आती है। तो इन सब चीजों से हमारा कौन क्या बोलता है क्या बोलेगा, और इन्होंने उसके बारे में बता दिया, और ये तो बीजेपी
भी अपनी तरफ से जो भी बात होगा कह देंगे, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, मतलब नहीं, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर हम लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और जो ये जो इनका भारतीय जनता पार्टी का ही विचार था के साथ विमर्श के दौरान इनकी हम लोगों की तरफ से हम पार्टी के साथ उनके साथ बातचीत हुई और ये बात कर रहे हैं विकास पार्टी के साथ और बात हो ही गया है उनका तो 7 सीट और 7 का जिन सीटों पर वो लड़ता 6 सीट तो पड़ी तो ये सब लोगों को मालूम है। और भी आज दोनों दल के माध्यम से और लोगों को जो छोड़ा गया है तो उनके बारे में भी पूरी बात एक सीट के बारे में आप उपलब्ध करा दें। तो कैंडिडेट हैं पार्टी के लोग उसका भी ऐलान कर देंगे कि कौन कौन कैंडिडेट किस क्षेत्र के हैं इसका भी ऐलान कर देंगे। मिलकर काम करेंगे, हम लोगों के मन में किसी भी तरह की कोई गलत फहमी, और आप हम मानते हैं कि किसी को कुछ कहने से उसको आनंद आता है, उसको भी आजादी है, जो बोले करता रहे बोलता रहे, इससे हमको कोई लेना नहीं। एक पत्ता के साथ आज का लेकिन हम लोग मिलकर जैसे करते रहे आज भी हम लोगों के मन में कोई कन्फ्यूज प्रकार की नहीं। और ये स्वाभाविक है कि ये तो स्थिति रही है कोरोना की, इसमें चीजों को काम करने को थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, किसी भी चीज के बारे में निर्णय लेना, लोगों से बातचीत करना, वो सब सब अब एक एक चीज के बारे में फैसला हो गया है और लोग अपने अपने कैंडिडेट के बारे में अंतिम निर्णय लगभग ले चुके हैं, वो कैंडिडेट के बारे में भी निर्णय ले चुके हैं, का भी निर्णय लगभग हो चुका है, इसका भी बाद में कर दिया जाएगा। तो सीटों कौन सीट से किस पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे इसके बारे में आज आपको जानकारी दी। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस समाज में एक प्रेम का होना चाहिए, लेकिन ये तो हमको मालूम है कि मनुष्य तो कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो इस प्रकार की बात होता है, बात नहीं है कि अस्वाभाविक है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। आप देखिएगा कि चाहे आप कुछ कर लीजिए, कुछ ऐसे होते ही हैं कि वो किस तरह से बोलेंगे किस तरह की बात करेंगे, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और जरूर कहना है हम सब लोगों को मिलकर के एकदम बिल्कुल सक्षम बिहार हम लोग बना रहे हैं और कितना तेजी से इसके बारे में तो हम लोग बोलते रहे। क्या बजट था भाई, कितना कम बजट था बताइए, और अब कितना बड़ा बजट, 24,000 करोड़ रुपए का बजट होता और हम लोग 2,11,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिए बजट से लेकर के एक एक चीज के बारे में। वो सब बात होगी तो हम लोग डिटेल भी देंगे, नौकरियों के बारे में कितने लोगों को नौकरी हम लोगों के कार्यकाल में मिली है, कितने लोगों को सेवा करने का मौका मिला है, एक एक चीज के बारे में हम लोग तो इन सब चीजों के बारे में काम कर रहे हैं और काम ही करते रहेंगे, यही हम लोगों का कर्तव्य है। तो अभी तो अपनी तरफ से इतनी ही बात कहनी थी, अब बाकी तो